खनिया थाना क्षेत्र अंतर्गत खनिया थाना नगर में दबंगों ने घर में घुसकर युवती के साथ मारपीट करने का मामला प्रकाश में आया है। पुलिस ने एक घायल को उपचार के लिए हॉस्पिटल में भर्ती कराकर आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई की है। पीड़ित ने बताया कि विक्रम सिंह परिहार और उसके अन्य साथियों द्वारा उसकी पीड़ित के साथ मारपीट की गई और जब इसकी शिकायत थाने पर जाकर की तो पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई नहीं की। पुलिस के एक अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया है कि मारपीट का मामला सामने आने के बाद अस्पताल में ही रिपोर्ट दर्ज कर मामले की विवेचना शुरू कर दी है। खनिया थाना से शिवकांत सोनी की रिपोर्ट। क्या हुआ तुम्हें? विक्रम सिंह परिहार ने ईंटों से मारा हमें। हम मसाला पीस रहे थे, भाभी बर्तन साफ कर रही थी, ऊपर से ईंटें मारने लगे। हम लोग अंदर गए तो वो गेट तोड़कर लोहे की छड़ी लेकर विक्रम सिंह परिहार, दिनेश परिहार लठ लेकर आए हमें मारने के लिए। ये तोड़ दिया हम अंदर आए ना, अंदर आकर कुंडी लगाई तो मम्मा के लिए बोला है, मम्मा मजदूरी करने जाती हैं और हमारी दीदी दीदी और मम्मा ही, मम्मा ने पूछा क्यों मार रहे हो विक्रम सिंह परिया और दिनेश परिया, मम्मा से नहीं बोले। और एक पुलिस वाला आया तो उनकी लड़की को बिठा के ले गया, हमें गाली देने लग गया पुलिस वाला। हम थाने पहुँचे, थाने वाले ना हमें गाली देने लगे, वो बाहर निकाल दिया और ऐसे मेडिकल करवाने भेज दिया मेरी भाभी को। मेरी भाभी प्रेग्नेंट है और कुछ नहीं बोला, उनकी लड़की को बिठा के ले गए पुलिस वाले। पुलिस वालों ने आपकी रिपोर्ट नहीं लिखी? नहीं लिखी रिपोर्ट। हम लोग घर पे थे, रात को पहले 3 बजे लड़ाई हुई, लंगड़ा मामा उमा परिहार, विक्रम सिंह परिहार और उनके सुजल परिहार, दिनेश परिहार और 2-4 लोग और किरण परिहार, सृष्टि परिहार, ये सब लोग मिलके आए। मेरी घर पे भाभी और मेरी बहन थी दोनों, उनने ईंट उठा उठा के मारी। मेरी छोटी बहन ने बोला भैया हमें क्यों मारते, तो ये विक्रम सिंह परिहार हमारे घर के गेट तोड़ के अंदर घुसे और सब लोग ऊपर से गुंडी आए कुछ, हमारी छत से कूद के मारपीट की हमारे घर में। तो उधर से आके मम्मी और मैं आई काम पे से। आप थाने में गई रिपोर्ट लिखवाने? थाने में रिपोर्ट लिखवाने गए, हमें किसी ने नहीं सुनी और पुलिस वाले बोल रहे, हमने कहा सर हमारी रिपोर्ट लिखो, बोल रहे मादर चोट की छनार, हम तुम्हें थप्पड़ मार देंगे। उनका जो झगड़ा हुआ है वो सीधे उनको हॉस्पिटल ले गए थे जो घायल थे, और हॉस्पिटल में ही FIR ली है जिस पर से मेरे द्वारा अपराध क्रमांक 602/2022 454/2394/323/524/526/3434/506/34 बाधा का अपराध पंजीकृत किया है जो विवेचना में है।